फिर से हमारा और एक नया ब्लॉग में है। आज ये जंगल में एक गांव है, कितना दूर है मेरे को भी मालूम नहीं है, लेकिन जंगल में है। इधर किधर ये अगल बगल में दूर है। चलिए देखते हैं जाके वो गांव किधर है, कितना बड़ा गांव है। ऐसा तो कोई जान पहचान वाला है नहीं, ऐसे ही जाके आएंगे रोड में। चलिए चलते हैं, दिखा दिखा के लेके जाता हूँ जंगल। ये बहुत बड़ा जंगल है, देखें पूरा झाड़ दिख रहा होगा आपको। ये देखें, देखने से ही डर लग रहा है। ये देखें अंदर नर्से दिए हैं, बोल के साइन बोर्ड लगाए हैं। ये देखिए जंगल है पूरा। अब जा रहा हूँ, चलिए देख के जाएंगे किधर से गिर कुछ आ गया तो। छुट्टी था इसीलिए घूमने आ गया। आप लोग को देख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं कैसा जंगल है। ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल, बहुत भयंकर जंगल है। मैं मेरे लाइफ में ही नहीं देखा कभी ऐसा जंगल। ये देखिए क्या डेंजर जंगल है। अभी तो गांव नहीं आया, बहुत दूर पैदल आ गया मैं। अभी तक कोई गांव ही नहीं आया, अभी तक कोई गांव नहीं दिख रहा है। सुपारी का पेड़ भी बहुत दिख रहा है इधर। और ये क्या क्या पेड़ है इधर मालूम है, क्या पहाड़। ये देखिए क्या पहाड़, बाप रे, चला गांव का नाम निशाना नहीं है, कितना दूर है। इधर क्या कन्नड़ में लिखा है, वो आंगनवाड़ी है शायद, पोस्टर दिख रहा है। क्या है आंगनवाड़ी का तो पोस्टर दिख रहा है, एक बच्चों को वेट कर रहे हैं। ये देखिए मतलब आंगनवाड़ी है यार, पढ़ना नहीं आता कन्नड़ा। बाप कितना दूर जाएंगे। अभी तक नहीं आया गांव, मैं भी कम से कम 3 किलोमीटर तो पैदल आ गया भाई। अभी तक मेरे को कोई गांव नहीं दिखा, मालूम नहीं कितना दूर में है। हाँ इधर एक घर दिख रहा है अभी जाके, ये अच्छा घर है। हाँ आदमी का आवाज़ भी सुनाई दे रहा है। आ गया है गांव, और उधर से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर होगा, एक छोटा सा गांव है जंगल के बीचों बीच गांव।
शायद इधर से रास्ता, लेकिन रास्ता ख़त्म हो जाए हुआ है क्या मालूम नहीं। अच्छा घर बनाया है, तो एक ही घर दिख रहा है, शायद आगे हो सकता है, लेकिन जंगल अच्छा घर बना। A few moments later. ये देखिए अच्छा घर बना है, अच्छा घर बना है। ये देख सकते हैं कितना मुर्गी है देसी, एक बुढ़िया माँ बैठा है, बाल बना रहे हैं, बुढ़िया माँ है। और आगे जाने के लिए हिम्मत भी नहीं है सर, जितना दूर पैदल जाऊँ फिर उतना दूर पीछे भी पैदल जाना पड़ेगा, फिर रिटर्न जाना चाहता हूँ इधर से। चलिए चलते रिटर्न, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, देखेंगे किधर आगे किधर मंदिर गिंदिर है। तो ये देख सकते हैं कितना मुर्गी है देसी, एक बुढ़िया माँ बैठा है, बाल बना रहे हैं, बुढ़िया माँ है। और आगे जाने के लिए हिम्मत भी नहीं है सर, इतना दूर जितना दूर पैदल जाऊँ फिर उतना दूर पीछे भी पैदल जाना पड़ेगा, फिर रिटर्न जाना चाहता हूँ इधर से। चलिए चलते रिटर्न, मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, देखेंगे किधर आगे किधर मंदिर गिंदिर है। तो हेलो दोस्तों, ये एक्चुअली गांव के नाम में एक 5 घर है उतना ही, और ये इतना अच्छा अच्छा बिल्डिंग बनाए हैं सर, कोई सोच भी नहीं सकता है। और ये लोग बोल रहे हैं, मैं एक आदमी से बात किया, वीडियो बनाने के लिए अच्छा नहीं लगा, ये लोग बोल रहे हैं कसाल में खाली सुपारी से 10-15 लाख रुपया का सुपारी में बिजनेस होता है इनका, और दूसरा कुछ अलग है साल में, तो आप ही सोचो। इसीलिए वो लोग इधर ही रहते हैं, इनकम अच्छा है, किसी के नीचे काम करना नहीं पड़ता, और सुपारी का किलो 550 रुपया है, और लकड़ी भी सप्लाई करते हैं, लेकिन सुकून में है। एक घर इधर है तो एक घर एक 200 मीटर 300 मीटर का दूरी है, अच्छा है ना, किसी से झगड़ना नहीं, अपने काम से काम मतलब रखना, अच्छा है, अच्छे से हैं वो लोग। वीडियो बनाने के लिए अच्छा नहीं लगा,
मैं बात करके रिटर्न आ गया। वो साला बात करने के लिए भी डर लगता है, साला जंगली है, क्या कर लेंगे क्या मालूम। हाँ साला एक में भाषा का फर्क है, हम हैं उड़िया वाले हिंदी उड़ीसा के हैं, तो हमको हिंदी बोलना आता है, और इन लोग को कन्नड़ा, मेरे को भी कन्नड़ा आता है तो इतना क्लियर नहीं आता है, इसीलिए ज़्यादा बात नहीं किया। जो बस पूछा उनको, पूछ के आ गया, और लकड़ी भी पेड़ गिर हो उससे वो भी बिजनेस करते हैं। हाँ बिंदास हैं लोग, अच्छा पैसा वाले कारगिर हैं, उनका घर है। चलिए मैं फिर रिटर्न आ गया, थक गया, कम से कम 5 किलोमीटर से चला गया, टाइम पास नहीं हो रहा था, सोचा थोड़ा पैदल घुमाओ, अरे पेट भी थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ चले, वो आगे एक नर्सरी है, और नर्सरी जाते हैं, देखेंगे नर्सरी में क्या क्या मिलता है। लेकिन नर्सरी कुछ भी मिले, कोई तो बेंगलोर है मैसूर, दूर से तो आके लेके नहीं जाएगा। जो धर्मस्थल के आसपास में रहने वाले वो आके ज़रूर ले सकते हैं, इधर अच्छा अच्छा पेड़ मिलेगा। चलिए देखेंगे वो नर्सरी में क्या क्या मिलता है। मेन ये रोड से नर्सरी में 0.7 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर से भी ज़्यादा है, 1 किलोमीटर से कम है। बाद में रोड जंगल के बीचों बीच में रोड जबरदस्त बना, बाप रे। जाने के टाइम में डाउन था, आने के टाइम में अप है, ज़्यादा मेहनत हो रहा है, बात भी नहीं कर सकता। चलिए साला क्या पेड़ है, देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल, साउंड सुनाई दे रहा होगा, पेड़ कट रहा है क्या, आदमी क्या कर रहा है, ये देखिए क्या कर रहा है। नर्सरी जाने के लिए डर लग रहा है, कोई नहीं है, अकेला हूँ, तो चला कोई मार के मोबाइल की वजह छीन लिया तो क्या करेंगे। इसीलिए उससे अच्छा रिटर्न चला जाना, सुनसान है, चला कोई मार के फेंक दिया तो भी कोई नहीं दिखेगा, चला किन्नी गिरने निकाली है तो जंगली, नहीं नहीं तो उसे बेहतर भाग जाना रूम जहाँ। तो देखिए ऐसा है, मेरा चारों तरफ जंगल जंगल। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, हमारा ऐसा जंगल वाला वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। लेकिन भगवान का समय बहुत अच्छा है, साइलेंट है, किसी से झगड़ना नहीं, कुछ नहीं, जितना हो उतना खुद का काम करना, खाना, लेकिन गाड़ी कंपलसरी चाहिए, हम लोग तो लोकल नहीं है ना, इसीलिए हमारे पास गाड़ी नहीं, नहीं तो सबके पास गाड़ी है, कंपलसरी गाड़ी चाहिए, और गाड़ी रखने से कोई दिक्कत नहीं। रोड भी एकदम जबरदस्त रोड है, आप देख सकते हो, हमारा गांव में, हमारा गांव सिटी भुवनेश्वर में भी ऐसा रोड नहीं मिलेगा, जंगल में जैसा रोड बनाया है कर्नाटक सरकार, मानना पड़ेगा, वो जबरदस्त रोड बनाए हैं। मैं भी भुवनेश्वर में जब था, वो गांव के अंदर, तो एम्स हॉस्पिटल के बगल वाला गांव में रहते थे, उधर भी इतना अच्छा रोड नहीं था, ये एकदम जबरदस्त रोड है। चलिए
कर्नाटक सरकार अच्छा काम किया है। चलिए करते हैं रूम। हमारा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं भी थक गया, रेस्ट करना अभी।